सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद करीम है और आज मैं आप लोगों के लिए एक जो खबर लेके आया हूँ वो ये है कि मैंने ये यूट्यूब का चैनल एक स्टार्ट करने लगा हूँ, जहाँ पे इसका नाम है कलीम कंटेंट के नाम से, और आप इसके अंदर ऑनलाइन रोजगार ट्यूटोरियल के जो है वीडियो ट्यूटोरियल वो मैं शेयर किया करूँगा। इसका मेन मकसद ये है कि आप लोग इस काबिल हो जाए कि ऑनलाइन अर्निंग कर सके, मतलब कि आजकल हर बंदे ने BSc कम से कम और MSc तक तो सब की है, बेशक वो बॉयज हैं या गर्ल्स। तो BSc और MSc करने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रही है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि 16 साल पढ़ने के बाद फिर जब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बाहर आता है उन्हें पढ़ने के अमल से तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। जॉब का हाल हम सबके सामने है, जैसे आती है या नहीं आती, और अगर आती भी है तो जितनी सीट्स होती हैं वो हर बंदा उसके ऊपर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियोस वगैरह, ये लर्निंग पूरा एक प्रोग्राम है, इनके पॉइंट 1 से लेके ITMS CSS फाइवर वो स्ट्रैप वर्डपेस, ये आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा सामने, ये इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया कि कैसे कैसे काम हम लोग करेंगे। और कई स्टूडेंट हैं मेरे जो इससे अर्निंग कर रहे हैं, जिन्हें मैं सिखा भी रहा हूँ, मैं खुद भी इस पर काम कर रहा हूँ अर्निंग का। तो मैं ये कह रहा था कि बाकी जो दोस्त हैं वो भी इस काम से फ़ायदा उठा सकें। तो इसके अंदर जो फ्लो चार्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत अच्छा नॉलेज आप लोगों को कंप्यूटर का होना चाहिए, आपको बस अगर अपना लैपटॉप अच्छे से और कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, जो बंदा मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर सकता है उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपका टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, नॉन टेक्निकल बंदा भी, मैथ वगैरह केमिस्ट्री बायो वाला भी ये काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो करने जा रहे हैं इसके ऊपर सिर्फ कंप्यूटर के लोग ही कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये फाइवर है और अपवर्क है और पीपल बराबर है, ये प्लेटफॉर्म है 3 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके ऊपर ऐसा है कि आप अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी जानते तो आप अपने अगर मैथ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपकी एजुकेशन है, तो आप उसी के हिसाब से साथ लेके चल सकते हैं। इनके आप अपने गिग्स फाइवर अगर आप वहाँ पे आप गिग्स बनाएंगे, गिग्स एक किस्म का प्रपोजल होता है, जो आप कहते हो कि ये मैं इतने चार्ज कर लूँगा और ये काम मैं आपको करके दूँगा। ये कैसे करना है ये कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं लोगों को समझाऊँगा। सबसे पहले ITML है, ये ऐसा है कि क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट, कोई भी कारोबार उसके लिए वेबसाइट आजकल एक आम सी बात हो गई, हर बंदा ये चाहता है कि जी मेरा एक वेबसाइट हो और उसके ऊपर मैं अपनी शॉप की या अपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसकी एडवर्टाइजमेंट करूँ। तो HTML बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, HTML क्या है, इसके क्या क्या रूल हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल ही ईजी टू यूज़ और आसान कहानी। HTML ये एप्लीकेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, स्टैटिक प्रोग्रामिंग के लिए, मेन स्टैटिक वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। और फिर ये आगे CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये स्टाइल शीट जो कि किस तरह आप किसी वेबसाइट को जब बनाते हैं या कोई वेब पेज बनाते हैं उसको स्टाइलिंग करते हैं। वेब पेज क्या होता है, जैसे हम लोग फेसबुक को ओपन करते हैं तो ये वाला जो पेज हमारे सामने ओपन है ये एक वेब पेज है, या अगर कोई और वेबसाइट आप ओपन करते हो जैसे ये है इसके ऊपर ये एक वेब पेज है जहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है, इसी के ऊपर भी आप जब क्लिक करते हो तो उसकी डिटेल सारी आ जाती है। ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये किसी न किसी पेज के ऊपर होते हैं, और ये सारे पेज वेबसाइट के ऊपर होते हैं वेब पेज कहते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे, तो
ये सारी। उसके बाद तीसरा है ये ऑप्शन हमारा जो थर्ड फेज है वो है फाइवर का। यहाँ पे आप लोग जो बताया होगा कि कैसे आपने फाइवर को यूज करना है, अपना अकाउंट कैसे बनाना है और किस तरह एक अच्छा अकाउंट बना के अच्छी वीज बना के आप अर्न कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन होगा बूटस्ट्रैप का, ये उसी के अंदर फॉर्म्स वगैरह और ये सारी डिजाइनिंग और स्टाइलिश जो ऑप्शन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये इसके बाद वर्ड प्रेस का हमारा मॉड्यूल होगा और ये वर्ड प्रेस जो है इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा किस तरह आप एक वेबसाइट को इस वर्ड प्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर थीम वगैरह डाल के आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। और डाटाबेस क्या होती हैं, डाटाबेस असल में एक रेपोजिटरी या एक आप ऐसा कह लो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे का सारा डाटा आप सेव करते हो। जिस तरह अगर मोबाइल के अंदर आप लोग अपने कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करते हो तो वो भी एक डाटाबेस के अंदर जाके सेव होते हैं। और जब आप किसी को सर्च करते हो ऊपर अगर आप असलम लिखने के लिए ASLM लिखते हो तो वो पूरे के पूरे डिस्टेंस में जितने भी असलम होंगे वो सारे निकाल के आपके सामने शो कर देते हो। वो डाटाबेस ही असल में काम कर रही होती है। हम ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने ही होती है लेकिन समझ नहीं आ रही, पता नहीं होता। जैसे अगर आप लोग मैंने ओपन किया था कि फेसबुक को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे नीचे आप पासवर्ड लिख के जब लॉगिन का बटन प्रेस करते हो तो ये सारी की सारी डिटेल्स डेटाबेस से ही लेके फिर वो आपका पेज ओपन कर रहा होता। तो मतलब ये है कि हम काम सारा कर रहे हैं लेकिन हमें असल में पता नहीं होता कि ये हो गया है। इसके बाद PHP ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए इसमें फॉर्म्स वगैरह और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है। ये भी बिल्कुल सिंपल और स्टार्टिंग लेवल से आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे कि किस तरह आपने PHP को यूज इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट बनानी है। फिर आगे इसका एलिमेंटर क्या है, ये एक प्लगइन है जिसके साथ आप वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो बनाते हैं और लाइव मीन के उनके अंदर एनिमेशन वगैरह आप डाल सकते हैं। इसके बाद अपवर्क और पेपर फ्लावर, ये दो प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं और एक ये फाइवर वाला, ये और ये तीन प्लेटफॉर्म हैं। इनके साथ यहाँ पे कैसे अकाउंट बनाने हैं, फाइवर तो इसमें आपको गिग कैसे बनानी है, पेपर फ्लावर का जो इनकी वेबसाइट है यहाँ से हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं जो इनके क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे अपनी डिटेल डालते हैं कि हमें ये इशू आ रहा है और ये काम हम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग प्रपोजल सेंड करते हैं तो पेज में हम इतने पैसे देंगे, इतने चार्जेस करेंगे और ये काम आपको करके देंगे। और अपवर्क भी बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन फिर मैं दोबारा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस सारे काम के लिए बहुत अच्छा कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में बड़ी कमांड होनी चाहिए। एक नॉर्मल बंदा जिसने 14 या 16 साल इनके BSc या MSc की हुई है और वो इंटरेस्ट लगता है इस चीज़ में, क्योंकि काफ़ी ऐसे भाई भी होते हैं या ऐसे बहनें भी होती हैं कि जिन्हें काम ये अच्छा लग रहा था लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और शुरू से कि स्टार्ट कैसे करें वो समझ नहीं आ रही होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद करो ताकि आप लोग अपनी जो इनकम है उसमें एक और इनकम की जो है स्ट्रीम ऐड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।